हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सहो सब सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 8 का फुल ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं एक बहुत ही कंसेप्चुअल वीडियो है, जिसमें हम ये देखेंगे कि व्यू प्रोवाइडर का क्या कंसेप्ट होता है एंगुलर। एज ए डिजाइनर या डेवलपर आपको ये बहुत जानने की जरूरत होती है कि व्यू प्रोवाइडर का कंसेप्ट क्या क्या होता है, क्योंकि इंटरव्यू में भी आजकल ये क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब ऐप और ईमेल में मिलती रहे। दोस्तों, ये सारे इन्फॉर्मेशन आप हमारे वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप इजिली विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, व्यू प्रोवाइडर भी हमारा कंपोनेंट डेकोरेटर का मेटा डेटा प्रॉपर्टीज होता है। इसको हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई क्लास यूज करना होता है। मानो दोस्तों, हमारे पास कोई ऐसा क्लास है जो कि कंपोनेंट डेकोरेटर के आउटसाइड, उसके बाहर उसको डिफाइन किया हुआ है और उसको हमें यूज करना है। तो उसको क्या करना होता है, पहले कि हमें कंपोनेंट डेकोरेटर में उसे इंजेक्ट करना होता है, जो कि व्यू प्रोवाइडर से ही पॉसिबल हो पाता है। इसको कैसे करते हैं, चलिए डायरेक्टली प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद इसके कंसेप्ट को समझने में आपको आसानी होगी। तो दोस्तों, ये है हमारा प्रोजेक्ट जहाँ पर हम एग्जाम्पल करेंगे, और ये हम अभी हम ऐप डॉट कम्पोनेंट डॉट टी एस फाइल में। और ये क्या करेंगे दोस्तों, कि आपको जैसा कि पता है कि ये हमारा जो कंपोनेंट डेकोरेटर है, जो एड्रेट लगा हुआ है, फंक्शन जो कि होता है कंपोनेंट डेकोरेटर एज ए फंक्शन वर्क करता है, इसके बाहर हम क्या करेंगे, इस डेकोरेटर के बाहर हम कुछ क्लास बनाएंगे। जैसे मानो दोस्तों, हमने यहाँ पर एक क्लास बनाया, क्लास, और इसका नेम हम रख लेते हैं माई प्रोवाइडर, कुछ भी आप अपने मर्जी से रख सकते हैं। और इस क्लास में हम क्या करेंगे कि एक कंस्ट्रक्टर लेंगे, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कंसोल, ताकि ये जब रन कराएंगे तो आपको दिखे, कंसोल डॉट लॉग। और इसमें हम प्रिंट कर लेते हैं कुछ भी माई प्रोवाइडर, यहाँ पर सेमी कॉलन, और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं वेर माई प्रोवाइडर, और इसमें भी हम एक डेटा असाइन कर लेते हैं वेर माई प्रोवाइडर। एक तो ये क्लास बन गया, एक और क्लास बना लेते हैं उस एक, और यहाँ पर नीचे एक और क्लास बनाते हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, क्लास माई प्रोवाइडर प्रोवाइडर वन नाम से एक क्लास हम बना लेते हैं, और यहाँ पर भी हम कंस्ट्रक्टर एक यूज कर लेते हैं। दोस्तों, इसको आप अच्छे समझिए केयरफुली, तभी आपका इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। और यहाँ पर आप लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम पास कर देंगे, या फिर यहाँ पर एक काम करते हैं कि दूसरे तरीके से इसको यूज करते हैं, एक ही तरीके से होगा तो ज़्यादा काम नहीं आएगा आपको समझने में, दूसरा तरीका अपनाते हैं तो थोड़ा सा और अच्छा से कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। यहाँ पर एक लेते हैं वेयर माई प्रोवाइडर, वन, और इसमें हम डाल देते हैं वन, और इसके नीचे हम क्या करेंगे, दूसरा एक फंक्शन बना लेते हैं गेट गेट स्ट्रिंग, और इसमें हम एक नेम पास कर देते हैं। और इसको क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें हम एक करा लेते हैं, क्योंकि इसको कॉल करेंगे तो दूसरा कंसेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर लिखेंगे हम कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम पास करेंगे
वेयर माई प्रोवाइडर वन, और यहाँ पर कर लेंगे प्लस नेम, ये पास कर दिए। अब ये दो क्लास बन गए। अगर इन दोनों क्लासों को हमें यूज करना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अब इस मेटा डेटा को यूज करना होगा जो कि हमने अभी बताया व्यू प्रोवाइडर, इसमें हमें इंजेक्ट करना होगा, यही इसका कंसेप्ट होता है। इसमें हमें इंजेक्ट करना होगा क्या, दोनों क्लास को। एक किस किस नेम से क्लास है, एक हमारा नाम है ये माई प्रोवाइडर, इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए, और कॉमा दूसरे क्लास को कॉपी करके लाइए वी प्रोवाइडर वन, और इसको यहाँ पर इंजेक्ट कर लीजिए, तब ये जाके वर्क करेगा अच्छे से। यहाँ पर हमने इंजेक्ट कर लिया, उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों सेमी कॉलन देंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम कि जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। अब हमें यूज करना है इन दोनों क्लासेस को, ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंस्ट्रक्टर के, मीन्स कि हम यहाँ पर इंजेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने भी प्रोवाइडर के अंदर हमने क्या किया, इसको डिक्लेयर कर लिया, यहाँ पर इंजेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक ओबीजे, और इसका यहाँ पर ओबीजे कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं क्लास का नेम जो हमने अभी यहाँ पर कॉपी किया था, इसको रख लेते हैं, इसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया, और यहाँ पर एक कॉमा और एक और हम बना लेते हैं पब्लिक, और यहाँ पर हम करते हैं ओबीजे वन, और यहाँ पर इस क्लास को रख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर ऐसे कर लिए, उसके बाद यहाँ पर हम ओबीजे वन डॉट, यहाँ पर जो गेट स्ट्रिंग हमारा फंक्शन था इसको हम कॉल कर लेते हैं, और इसमें हम जो चीज़ पास करेंगे, जैसे मान लो हमने पास किया डब्लू 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 डॉट सहो सॉफ्ट ट्यूटोरियल्स डॉट कॉम, यहाँ पर हमने सेमी कॉलन, उसके बाद ओबीजे ओबीजे डॉट उसके बाद हम क्या करते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम कॉल कर लेते हैं ओबीजे डॉट व्यू प्रोवाइडर, और उसके बाद एक और कंसोल ले लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम पास कर लेते हैं ओबीजे वन डॉट व्यू प्रोवाइडर वन। अब इसको क्या करेंगे, अब हम इसको सेव करेंगे और कंपाइल होने के बाद इसको हम ब्राउजर में इसका इफेक्ट देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये ब्राउजर है, यहाँ पर आप जब इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको इसका डेटा दिखेगा, क्योंकि हमने कंसोल में इसको प्रिंट करा रखा है। तो यहाँ पर आप कंसोल में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि माई प्रोवाइडर आ गया, माई प्रोवाइडर वन में जो हमने www.sohosoftutorials.com डाला था, माई प्रोवाइडर और माई प्रोवाइडर वन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर गेट हो रहा है। मीन्स कि हमने दोस्तों इसमें क्या किया, हमने कि यहाँ पर हमने दो क्लासेज बनाया और इन दोनों क्लासेज को हमने व्यू प्रोवाइडर के थ्रू यहाँ पर एक्सेस किया, यहाँ पर डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पर इंजेक्ट किया, और यहाँ पर हम यूज कर पा रहे हैं। मीन्स कि व्यू प्रोवाइडर का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर हमारा कोई क्लास आउटसाइड ऑफ कंपोनेंट डेकोरेटर है तो इसको यूज करने के लिए हेल्प करता है। ये चीज़ें हमारे आप वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर हमने ये दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेन वी वॉन्ट टू यूज ए क्लास इन आवर कंपोनेंट डैट वी डिफाइन डेट इज डिफाइंड आउटसाइड द कंपोनेंट डेकोरेटर फंक्शन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इंजेक्ट दिस क्लास इन टू आवर कंपोनेंट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ से कोड भी आप कॉपी करके और सिंपली इसको रन करा सकते हैं इस तरीके से, और आपको यहाँ से आउटपुट आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि व्यू प्रोवाइडर का कंसेप्ट क्या होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन दोस्तों तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, और
मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।